गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे आप सब लोग। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल 1064 वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी अप्रेंटिस की है, यानी कि अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पे होने वाला है। तो क्या होता है अप्रेंटिसशिप? तो यहाँ पे आपको एक साल की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, जहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है आपके फील्ड से रिलेटेड। तो इस तरह की अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ओपनिंग डेट है, आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, जिसकी ओपनिंग डेट है 2 अगस्त 2021, और लास्ट डेट है 1 सितंबर 2021। तो 1 सितंबर के पहले आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। आगे आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करने की वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको बताया है कि प्रयागराज, आगरा, झांसी डिविजन्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, वर्कशॉप आपका यहीं पे होगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया बताया है, वो है 15 साल से लेकर 24 साल तक, एज ऑन 1 सितंबर 2021, यानी कि इस डेट तक आपका काउंट होने वाला है एज लिमिट। तो 15 साल से कम आपका एज रहना नहीं चाहिए और 24 साल आपके कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज के लिए, और OBC कैटेगरी को 3 साल का। नीचे PWBD कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नीचे यदि हम आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का कालावधि भी दिया है, यानी कि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो जन्म दिनांक है वो इस डेट के बीच में रहना चाहिए। फ्रॉम और टू आप देख सकते हो, यहाँ पे इन डेट्स के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना ज़रूरी है। नीचे सभी कैटेगरी के लिए ऐसा बताया है, तो आप इसे ज़रूर से देख सकते हो। उसी के बाद में क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए, तो यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10th में मिनिमम 50% मार्क्स रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे जिनका भी ट्रेड है वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, वायरमैन, कारपेंटर, ये 8th पास रहना ज़रूरी है। और आपका ITI कंप्लीट रहना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट आपके पास रहना ज़रूरी है, जो कि इशू होता है NCVT और SCVT से। यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए कौन से ट्रेड है वो यहाँ पे बताए हैं। तो फिटर, वेल्डर, आर्मेचर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिस्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन। उसी के साथ साथ स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, क्रेन, ड्राफ्ट्समैन, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रेड्स बताए हैं, तो आप इसे ज़रूर से देख सकते हो, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। नीचे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बताया है कि आपका जो 10th का रिजल्ट है वो 27/7/2021, इसके बाद में आना नहीं चाहिए, इसके पहले यदि आता है तभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो 27/7/2021 के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 10th का। यहाँ पे जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। नीचे आपको ट्रेड वाइज स्लॉट दिए गए हैं, तो कैटेगरी वाइज स्लॉट्स आपको नीचे दिए गए हैं, तो वो आखिरी में हम बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन यदि आपको चाहिए तो उसी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। नीचे आप पेमेंट की बात करते तो आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, जिसकी लास्ट डेट हमने देख ली है। अप्लीकेशन फ़ी रहेगी 100 रुपये, और जो SC/ST PWBD और वुमेन अप्लीकेंट्स है उनको कोई भी पेमेंट करना नहीं है। तो ये पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स PWBD कैटेगरी के लिए बताया है, तो वो ज़रूर से इसे पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर से आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है। उसी के बाद में नीचे यदि हम आएंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू, कोई रिटर्न टेस्ट होने वाला नहीं है। सिर्फ आपके जो 10th के मार्क्स रहेंगे, ITI के मार्क्स रहेंगे, 8th के मार्क्स रहेंगे, उसी पे से आपकी एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगा दी जाएंगी। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगाएंगी वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाई देने लगेंगी, वहाँ से आपका नाम आया है क्या वो चेक कर सकते हो। नीचे यदि हम आएंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड बताया है, तो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, और स्टाइपेंड आपको इनके रूल्स के हिसाब से दिया जाने वाला है। अप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है, जिसकी लिंक आपको फिर से दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको PDF के फॉर्मेट में 50 to 200 KB के रहना चाहिए मिनिमम साइज उसकी। और यहाँ पे 8th की मार्कशीट सबसे पहले, उसी के बाद में 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट,
जो कि एनसीवीटी के रहते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एनेक्सर बी सी एंड डी में दिया है, तो नीचे ही है नोटिफिकेशन के, वहाँ से आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी दिया है एनेक्सर जी में, नीचे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया गया है एनेक्सर ई एंड एफ में, तो वो भी आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे यदि हम आएंगे तो आपको फ़ोटो का स्कैन कॉपी का साइज़ बताया है, सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा वो है 3.5 सेंटीमीटर जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए वो नीचे यहाँ पे। और आपको मैं अब डायरेक्ट लेकर चलता हूँ और बात करते हैं हम वैकेंसीज की। तो एनेक्सर ए के अंदर आपको यहाँ पे ट्रेड वाइज और डिवीजन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। तो प्रयागराज डिवीजन के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 364 वैकेंसी निकाली गई है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। नीचे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्रयागराज डिवीजन के अंदर टोटल 339 वैकेंसी है। सभी ट्रेड्स आप देख सकते हो, लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। नीचे आते हैं तो झांसी डिवीजन के लिए टोटल 480 वैकेंसी निकाली गई है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे झांसी वर्कशॉप के लिए टोटल 185 वैकेंसी है। आगरा डिवीजन के लिए टोटल यहाँ पर हम बात करते हैं तो 296 वैकेंसी दी गई है। और ट्रेड्स आपको एक बार देख लेना है ज़रूर से नोटिफिकेशन के अंदर। और देखिए ना, जो मैंने आपको एनेक्सर में डॉक्यूमेंट्स बताए थे पहले, अभी इसके कुछ मिनट पहले, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको नीचे दिए गए हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके काम आएंगे और ये लगने वाले हैं आगे आपको। तो इस रिक्रूटमेंट की जानकारी इतनी ही थी, हमने यहाँ पे देख ली है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अब आगे क्या, तो आगे जितने भी रिक्रूटमेंट निकाले जाएंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि आगे की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलेगी इसी के लिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक करिए और शेयर करते जाइए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें जरूर से शेयर करिए, उन्हें भूलिए मत, नहीं तो बाद में वही आपको बोलेंगे कि तुमने मुझे बताया नहीं। तो इसी के लिए उन्हें भी शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।